सुप्रभात आदरणीय अध्यापिकाओं और मेरे प्रिय मित्रों, आज मैं राम्या चड्डा आप सभी के सम्मुख एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरी कविता संस्कृत में लिखी गई है, इसीलिए यह संस्कृत को समर्पित है। संस्कृत दिवस 1 अगस्त से लेकर 6 अगस्त तक मनाया जाता है, तो आइए इस कविता का आनंद उठाते हैं। चल चल पुर तो निदेहि चरणम, सदैव पुर तो निदेहि चरणम। चल चल पुर तो निदेहि चरणम, सदैव पुर तो निदेहि चरणम। सदैव पुर तो निदेहि चरणम, गिरिशिखरे ननु निज निकेतनम। विनैव यानम नगारोहणम, बलम स्वकीयम भवति साधनम। सदैव पुर तो निदेहि चरणम, चल चल पुर तो निदेहि चरणम। सदैव पुर तो निदेहि चरणम, पथि पाषाणा विषम प्रखार। हिस्त्र पशुव परितो घोरा, सदुक्षकरं खलु यदापि गमनम्। सदैव पुर तो निदेहि चरणम, चल चल पुर तो निदेहि चरणम। सदैव पुर तो निदेहि चरणम, जयहि हि भैति भज भज शक्तियम्। विदेहि राष्ट्रे तथा नूरिक्तम्, कुरु कुरु सततम् धेये स्मरपण। सदैव पुर तो निदेहि चरणम्, सदैव पुर तो निदेहि चरणम्। चल चल पुर तो निदेहि चरणम्, सदैव पुर तो निदेहि चरणम्। सदैव पुर तो निदेहि चरणम्, सदैव पुर तो निदेहि चरणम्। धन्यवाद, आशा है आपका दिन शुभ हो। मस्ति तत्पदम यह लभति सह स्मान्नम, किम् अस्ति तत्पदम यः करोति देशानं निर्माणम्। किम् अस्ति तत्पदम यम् कुर्वन्ति सर्वे प्रणामम्। किम् अस्ति तत्पदम इस यस्य छायायां प्राप्तं ज्ञानम्। किम् अस्ति तत्पदम यः रचयति चरित्र जनानम्। गुरु अस्ति पदस्य नाम, सर्वेषां गुरुणां मम शतः शतः प्रणामम्।